बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर थाने में पदस्थ पुलिस जवानों के परिवार पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं और अधिकारी है कि इन पुलिस जवानों की सुन नहीं रहे हैं। बता दें कि जिले का सबसे पुराना थाना रामचंद्रपुर है, जो शहर से दूर दराज बना हुआ है। थाने में पदस्थ पुलिस जवानों के परिवार के लोग पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। पीने का पानी लाने के लिए 2-3 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है और तब जाकर प्यास बुझा पा रहे हैं ये लोग। प्रशासन द्वारा पूर्व में थाना कैंपस में जो है 10-15 बोर्ड करीब खुदवा चुकी है। यहाँ का जल स्तर नीचे होने के कारण एक भी बोर्ड सक्सेस नहीं हो पाया है, तो ग्राम पंचायत के द्वारा निर्मित करीब यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर में ग्राम केरवाड़ी से 3 बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ है, उसके माध्यम से पाइप बिछी हुई है, उसके माध्यम से यहाँ पर पानी आती है। 2-3 दिन अगर लाइट गोल हो जाती है तो हमारे कर्मचारी जो है यहाँ से दूर में जाकर जो साइकिल या मोटरसाइकिल के द्वारा पानी वाले लाते हैं। पिछले बार थाने के द्वारा मुझे ये समस्या बताई गई थी, तब हमने तत्काल उस समय पूरे 1.5 किलोमीटर दूर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए और टुल्लू पंप की जरूरत है बताए थे, तो वो तत्काल उन्हें प्रदाय किया गया था, जिससे अभी वहाँ काम चल रहा है। किंतु आज आपके द्वारा फिर से अभी अवगत कराया गया है कि फिर भी पानी की समस्या हो रही है, तो मैंने अभी तत्काल EPAG से बात की है, कभी वहाँ बोर कराया जाएगा। मित्रों में जिले के परपुर